उधर आनंदपुर साहिब तो लोग सभा मैंबर प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने सदन के बोलदिया अकाली भाजपा वालों सूबे के विकास कामों का ब्यौरा दिता। इस मौके उन्होंने अपनी सरकार दीयां प्राप्तियां गिनाउण की भी कोशिश की। अज की सरकार ने यह विकास मॉडल के जो तब्दीली लिया खास तौर पर खेती को प्रमुखता दी आ जिससे 56% लोग रह रहे हैं। जो मुल्क आजाद होया खेती की भागीदारी 52% थी जो अज 12% रह गई। सो इस करके खेती को बढ़ावा देने जो सिंचाई स्कीम प्रधानमंत्री सिंचाई स्कीम लेकर आए हैं मैं समझना ये बहुत खेती बढ़ेगी और खेती के नाल खास तौर पर पंजाब वर्गा सूबा जिसने हिंदुस्तान का पेट भरिया उन्हें अपना पानी मुका लिया धरती हेठला हर साल 2 फुट पानी हर साल नीचे जा रहा और उस पानी नू रोकन ले बारिशों के पानी नू संभालन ले और बारिशों के पानी नू संभाल के उसकी वरतों कर ले इस तरह के प्रबंध कर ले प्रधानमंत्री सिंचाई योजना मैं समझता बहुत काम आएगी। और इस तरह चेयरमैन साहब थोड़ा टाइम तो 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए अभी मैं बात नहीं समाप्त की ये बहुत चेयरमैन साहब ये 2 मिनट मैंने लेने हैं अभी अभी तो मेरी बात ही नहीं पूरी हुई मैं कंक्लूड तो कर लेने दो। तब मैं कहना चाहता देखिए जो सबका साथ सबका विकास जो कहा है मैं समझता हूँ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आया हूँ आनंदपुर साहब से ये गुरु तेग बहादुर साहब ने शुरू किया था और आज मोदी साहब ने यह शुरू किया। इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या एक का नाश दूसरे का विकास एक का नाश करते रहे दूसरे का विकास करते रहे। 1984 में यहाँ कत्लेआम किया नहाते लोगों को मार डाला बच्चों के घरों में टायर पाके साड़े गए और इनके लीडर ने कहा जब बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती कांपती है और ये अपने आप को धर्म निरपेक्षता के बुरके में यहाँ संप्रदायिकता पालते रहे और ये संप्रदायिकता पालते रहे और इन्होंने जो कत्लेआम किए उसके लिए ये 2 मिनट के लिए यहाँ अफसोस नहीं किया गया उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो मैं समझ खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो आपां मिलांगे फेसबुक ते असी दिखांगे यूट्यूब ते सानू फॉलो करो ट्विटर ते खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।